हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में फ्रॉम स्नेह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। कई सारे पेरेंट्स ने बोला कि सर आप प्लीज़ वीडियोस थोड़े हिंदी या गुजराती में बनाइए ताकि हम लोग कंज्यूम कर पाए आपके कंटेंट को। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं कॉमन 10 मिथ्स या मान्यता है जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ होती है, ये कई पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएँ हैं, इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी और मेरा ये एक अटेम्प्ट रहेगा कि आप लोग इन चीज़ों को समझिए और इसके बिहाइंड के साइंस को भी समझने की कोशिश कीजिए। सो ये है 10 कॉमन मान्यताएं जिसकी वजह से कई बार हम बच्चों को इवन आईसीयू में भी देखते हैं, क्योंकि जो साइंस है वो उन चीज़ों को अलाउड नहीं करता है, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को कई बार हमने तकलीफ होते हुए देखा है। और डू हैव अ लुक एट दिस वीडियो। सबसे पहली मान्यता, कोई भी कॉमन बीमारी या एलिमेंट्स हो, मे बी वायरल फीवर हो, सबके लिए एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है पॉपुलेशन में, हमने देखा है। कई बार हमें सीधा फ़ोन आता है कि सर आज सुबह से फीवर चालू हुआ है, हमने बुखार की दवाई दी है, ये एक्स वाई जेड एंटीबायोटिक्स भी चालू कर दिए हैं, इसका एक डोज दिया है एंटीबायोटिक का, थोड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा तो दूसरा डोज भी दे दिया है, अब क्या करें। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली not right, by overusing or rather abusing, इस तरह से हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे तो basically इससे आने वाली जनरेशन को और अपने बच्चे को ही तकलीफ होने वाली है। सो कई बार सिंपल वायरल फीवर ही पहले दिन पे हाई ग्रेड फीवर का कारण होता है और जिसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। सो प्लीज़ 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 डोंट अब्यूज़ ये दीज मेडिकेशंस, इन दवाइयों को ऐसे मत यूज़ करिए। और हमने ये भी देखा है कि दूसरी मिथ जिसके बाद मैं बोलूँगा कि एंटीबायोटिक्स पे ही जो है वो ये है कि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जैसे ही मेरा बच्चा ठीक होता है हमें जो डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की थी वो हम बंद कर देते हैं। अगेन प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा उनको आपको लगता है कि जैसे ही बच्चा ठीक लगता है दवाई बंद कर देना, लेकिन हर बीमारी का एक शेड्यूल्ड कोर्स होता है, अगर वो हम कोर्स बीच में से ही बंद कर देते हैं तो वो बीमारी फिर से ज़्यादा होते हुए आपके बच्चे को आ सकती है। दूसरी चीज़, वो जो जंतु है वो इन दवाइयों से धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाएंगे और फ्यूचर में अगर आपको बच्चे को यही बीमारी हुई तो ये कॉमन दवाइयाँ भी असर नहीं कर पाएगी। सो ये दो एंटीबायोटिक रिलेटेड मिथ्स है विच आई थॉट कि आपको थोड़ा पता चले। मैंने रिसेंटली ही एक ये आज मैंने वीडियो बनाने का कारण ही ये है कि आज एक बच्चा हमने देखा था जिसको एक इन्फेक्शन था बोन का, जिसकी हमने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की थी शेड्यूल ड्यूरेशन के लिए, लेकिन बच्चा क्योंकि आफ्टर इनिशियल फ्यू डेज़ बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो पेरेंट्स को लगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है और जान बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट था, ये पहले दो मिथ्स थे। मिथ नंबर 3, मैं हर फील्ड से हर कॉमन मिथ्स जो मेरे को पिछले एक साल में मेरे को यहाँ पे जो लोगों से सुने हैं, पेरेंट्स से सुने हैं, वो आई थॉट टू आई एम बीइंग लिटिल इमोशनल अबाउट इट, बट रीज़न यही है कि बच्चे तकलीफ़ में हो जाते हैं, पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि उनकी ये नादानियों की वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। मिथ नंबर 3, कोलोस्ट्रोम यानी कि मम्मी का पहला दूध बालक के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी मान्यताएँ भी हैं फैमिली में। हम डिलीवरी कॉल्स में जाते हैं देखते हैं तो जब हम ये एडवाइस करते हैं कि वो जो पहला मिल्क है इट्स वेरी न्यूट्रिटिव एज वेल एज इन्फेक्शन ना होने के भी काफ़ी तत्व उस मिल्क में है, सो प्लीज़ वो देना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये मान्यता है कि ये नहीं देना चाहिए और उसकी जगह पे प्रीलैक्टियल्स में कुछ और दे के बच्चे का जो इनिशियल बॉन्डिंग का टाइम है, फीडिंग एस्टैब्लिश का जो इमोशनल टाइम जो होता है उस पर ये सारी वजह की रीज़न्स की वजह से हैम्पर किया जाता है। सो कोलोस्ट्रोम इज़ नेसेसरी एंड शुड बी गिवन टू योर चाइल्ड एज एंड व्हेन इज़ बॉर्न। और मिथ नंबर 4, रिसेंटली एक बच्चा अस्थमा का आया था जिसको उस डायग्नोज अस्थमा था, सारे फीचर्स थे, एंड ही वॉज पुट ऑन इनिशियली, उनको हमने दवाइयाँ दी जिससे कि वो जो अभी जो दम का अटैक हुआ है उसमें कंट्रोल हो और सिम्टम्स में राहत हो, और साथ ही हमने उनको कुछ दवाइयाँ जिनको हम हमारी भाषा में प्रिवेंटर्स बोलते हैं उस पर भी रखा ताकि बच्चे को बार बार ना हो।
अब यही समझाने के बाद उनकी दादी ने बोला कि नहीं, ये ना वो देना, एक तो एक बच्चे को आदत पड़ जाएगी और इससे हमने बच्चे के फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ों की वजह से बंद कर दिया। और फिर अगेन वो बच्चा इस इतनी ख़राब परिस्थिति में आया कि बच्चे को ऑलमोस्ट वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ सकती थी, उतना सीरियस होके बच्चा आया। और तब जाके दादी माँ को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गलती तो हुई है जो हम इतने सालों से सोच के आ रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 100 में से 90 बच्चे को कुछ नहीं होगा, इसलिए ये मान्यता इतनी डीप रूटेड है। लेकिन जो 10 बच्चों को तकलीफ़ होती है, जो तकलीफ़ इतनी सीरियस हो जाती है जो सिर्फ आप किसी अपने बच्चे के डॉक्टरों से ही पूछेंगे तो ही वो बता पाएंगे कि नहीं, ये क्यों गलत है। दूसरी कॉमन चीज़ हमने देखी है, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो एक हम देखते हैं काफ़ी बियॉन्ड मिल्क ज़रूरी है, लेकिन मिल्क ही सब कुछ नहीं है। ये मान्यता उनको रहती है कि नहीं, मिल्क देने से सब सारी चीज़ें मिल जाती है, और बियॉन्ड इनिशियल 6 महीने तक ठीक है, बच्चे को वही देना है, लेकिन उसके बाद आपको सारे पौष्टिक आहार में सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। प्रिडोमिनेंटली मिल्क में बच्चे को कई बार अनीमिया, क्योंकि आयरन कम होता है, काफ़ी वैसे चीज़ें बीमारियाँ हो सकती है। तो सिर्फ मिल्क देते रहो, और मिल्क दूसरे और कोई मिल्क प्रोडक्ट्स या अदर सीरियल्स पल्सेस, उन सब चीज़ें से बच्चों को दूर रखना इज़ नॉट राइट। मिल्क देना ज़रूरी है, लेकिन उसका एक लिमिट RDE होता है, उससे उतना ही देना है। अनदर सेवेंथ मिथ आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ घी, कि घी बहुत ज़रूरी है, घी खिलाओ बच्चे को ताकि वो मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए। सी, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड, एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ टॉक्सिक। सो कुछ कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा देंगे तो वो हेल्दी नहीं है। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि घी ज़्यादा देने से या मिल्क ज़्यादा देने से आप अपना बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त होगा। आप आपके पीडियाट्रिशियन के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि क्या क्या पौष्टिक आहार है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। लेकिन ये क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा हमें रिसेंटली हमें ब्लड तक चढ़ाना पड़ा, उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया, प्रिडोमिनेटली ऑन मिल्क डाइट पे ही था, और एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 2 साल का हो गया था, और उसमें कुपोषण के काफ़ी चिन्ह थे जस्ट बिकॉज ही वॉज प्रिडोमिनेटली फेड ऑन मिल्क। अब दूसरी मिथ नंबर 8 जो मैं बोलूँगा इज़ अबाउट वैक्सीन। एक तो यह है कि रिसेंटली ऐसा भी हुआ था कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज़म होता है, बिल्कुल ये प्रूवन नहीं है। सो आप नहीं वैक्सीन दिलाने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आपके वैक्सीन के शेड्यूल्स में जो जो वैक्सीन है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट में भी आप वैक्सीन दिला सकते हैं जो फ्री में रहती है, तो लेकिन ये कोई वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट की डर से सारी वैक्सीन नहीं देना, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी आज के ज़माने में। हमने 2 या 3 महीने पहले एक बच्चा आया था, राजस्थान से आए थे, उनको डिप्थीरिया नाम की बीमारी थी, बच्चा 5 साल का था और इतनी हद तक बढ़ गया था कि वहाँ से निकले लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाए, बच्चे को हृदय में तकलीफ़ हो गई थी और वो बच्चा रास्ते में ही गुजर गया। जस्ट एक वैक्सीन जो फ्री में मिलती है, अगर वो दिलाई होती तो ये कॉम्प्लिकेशन या बच्चे की जान नहीं जाती है। इसलिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन लोगों को ये इतनी वैल्यू इतनी इसकी कम करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में फ्री में मिलती है तो ख़राब होगी या अच्छी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी वैक्सीन अच्छी है और ज़रूरी भी है। अनदर थिंग इज़ चिकन पॉक्स के बारे में, कई लोग मानते हैं कि वो तो माताजी आए हैं तो उसमें कुछ करना नहीं होता है। सी, मैनी ऑफ द टाइम नहीं करना होता है, लेकिन अगर बच्चा नहीं ठीक है तो उसको ज़रूर आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। ये इंसिडेंट मुझे बहुत हर्टफुल आपको बताते हुए लग रहा है कि एक बच्चे को चिकन पॉक्स था, 15 दिन तक घर में ही रखा कि माताजी आए हैं, ठीक हो जाएगा हो जाएगा, बच्चे को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया, और जब खींच आनी चालू हुई तब अस्पताल पे लाए थे। अगेन बहुत मेहनत के बाद बच्चे की जान बची थी, लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है कि इसी हर भगवान ने दिया है इसलिए उसको डॉक्टर को नहीं दिखाना है या इसकी दवाई नहीं करनी चाहिए, ये मान्यता भी काफ़ी डीप रूटेड है, तो ये गलत है। एज एंड वेन कुछ डेंजर साइंस होते हैं हर बीमारी में, अगर वो आते हैं तो ज़रूर जाके अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। PHC हो, CHC हो, इवन गवर्नमेंट सेंटर्स हो, मेडिकल कॉलेज, कोई भी अस्पताल में जाके जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर हाजिर हैं आप प्लीज़ जाके दिखाइए। और लास्टली इमरजेंसी के बारे में है मिथ नंबर 10, जिसमें कि
हमने देखा है कि बर्न्स होता है तो बटर लगा के आओ, तो ये काफ़ी इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन इरोड हो चुकी होती है उस पर आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये मत करिए। और इवन खेच में मुंह में चम्मच डाल दो या कोई हार्ड चीज़ डाल दो, उससे इंजरी हो सकती है, बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें मत करिए। सो बेसिकली मेरे दोस्तों, ये 10 चीज़ें थी जो मुझे लगा कि पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, बच्चों का ICU एडमिशन्स अवॉइड हो सकता था अगर ये चीज़ें पेरेंट्स को थोड़ा सा भी ध्यान होता पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन चैनल थिंकपीडिया। थैंक यू वेरी मच।